हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपने रिवाइज भी करेंगे और कुछ नई बातें भी सीखेंगे। देखिए, सर्कल हमें पता है एक गोलाकार टू डायमेंशनल फिगर है और ये एक तरीके का संपूर्ण कोण बनाता है बेटा। जिस तरीके से हम संपूर्ण कोण जहाँ से शुरू करते हैं पूरा घूम के वापस आ जाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल होता है, तो यही हमारा सर्कल है। और साथ ही ये ऐसे बिंदुओं का समूह है जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और इस दूरी को हम आर रेडियस के नाम से जानते हैं, त्रिज्या, और सेंटर है ये हमारा। अब इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर, एंड वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंसेस 2πr। तो जब हम बाउंड्री के अराउंड चलते हैं, यहाँ से जैसे ये पॉइंट हमने फिक्स किया तो आपने यहाँ से चल के यहाँ से इसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो कितना डिस्टेंस हमने अराउंड द एज कवर किया, दैट इज द सर्कमफेरेंस या परिधि, और उसका फॉर्मूला है 2πr। और जब हम अंदर कुछ इसके अंदर भरना चाहते हैं, अंदर के एरिया में कितना हमने इस पे पेंट किया है या कुछ पेपर लगाया है इस पे, तब हम वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं। अब देखिए, एक नया चीज हम सीखने जा रहे हैं बेटा, त्रिज्य खंड या सेक्टर ऑफ द सर्कल। त्रिज्य खंड, जैसा नाम से भी आपको पता चल रहा है, त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ। तो बेटा ये वृत्त की देखिए, जैसे यहाँ पे दो त्रिज्याएं बनी हुई है, ओ ए एंड ओ बी, और साथ ही ये जो है परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा जो इसमें कवर हो रहा है, जिसको हम चाप कहते हैं, आर्क बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क। तो ये दोनों त्रिज्याओं और आर्क से जो घिरा हुआ हिस्सा है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर कहलाता है। अब देखिए बेटा, जैसे इधर यहाँ रेड पोर्शन से कवर किया हुआ है, तो ये जो बाकी हिस्सा है ये भी एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि इधर भी तो एक बड़ी आर्क बन रही है ना, और ये त्रिज्याओं से बना हुआ है। तो इन ये छोटा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हिस्सा छोटा है, ये हमारी हो गई माइनर सेक्टर, इसको हम हिंदी में लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना। और इसका जो अदर पार्ट है वो क्योंकि हमें बड़ा लग रहा है, सो दैट बिकम्स मेजर सेक्टर, और इसका नाम बन गया दीर्घ त्रिज्य खंड। तो इसका हमने ये समझ लिया है कि हम क्या चीज कहना चाहते हैं ना बेटा, त्रिज्याएं बनी हुई है और एक चाप, इससे बीच का घिरा हुआ हिस्सा त्रिज्य खंड या सेक्टर कहलाता है। अब देखिए बेटा, अब हमने ये समझ लिया है कि त्रिज्यखंड या सेक्टर क्या होता है एक वृत्त में। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल से अभी हमने समझा था कि क्षेत्रफल से क्या मतलब है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे अगर इस पार्ट को कलर कर दिया है, तो मुझे ये पता लगाना है कि मैंने कितना कलर इस पार्ट में यूज किया है ना, यही होता है ना क्षेत्रफल। एरिया मतलब कितना आपने यहाँ पेंट लगाया है या कलर लगाया है, तो दिस आई हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए देखिए बेटा क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360। थीटा क्या होता है, जो यहाँ एंगल बन रहा है ये दोनों त्रिज्याओं के बीच में, रेडियस के बीच में, उसको हम इन जनरल थीटा बोलते हैं, थीटा, दैट इज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ जैसे ब्लैंक बनाया हुआ है, हम यहाँ भर देंगे, इट इज पाई आर स्क्वायर। हमें पता है ना वृत्त का एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब एक एग्जांपल करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 cm एंड एंगल इज 140 डिग्री। अब ये एंगल बेटा 140 डिग्री दिया हुआ है और रेडियस हमें 7 दी हुई है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जबकि थीटा हमारे पास कितना है 140 डिग्री और आर कितना है
7 cm। अब आप बेटा देखिए, अभी हमने दो तरीके के सेक्टर पढ़े थे, माइनर और मेजर, दीर्घ और लघु, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन में हम अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे कि हमें माइनर सेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ वैल्यूज रख देंगे, थीटा की जगह आपने रखा 140 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू जब तक नहीं दी कुछ नहीं कहा जाता तो हम 22/7 ही लेके चलते हैं। आर की जगह हमने 7 × 7 करा, देखिए ये कट गया इससे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 59.8 cm। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो आपको पता है एरिया में हमेशा आंसर में वर्क यूनिट जरूर लिखते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई। तो अभी हमने देखा था कि इसको क्या कहते हैं, ये है त्रिज्यीय खंड की चाप। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ त्रिज्यीय खंड में कितनी यहाँ इस चाप का लंबाई है, या यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है इस चाप की, है ना। तो अब की बार हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, वृत्त की परिधि का, और वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 तो रहेगा ही साथ में, और लेकिन गुणा में 2πr कर देंगे, हम सर्कमफ्रेंस से गुणा करेंगे। तो जब भी लेंथ पूछी जाएगी हमें सेक्टर की तो हम थीटा अपॉन 360 2πr करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आर कितना है 7 cm, और एंगल कितना है थीटा जिसे हम बोल रहे हैं 140। आपने फॉर्मूला लगाया, लेंथ कितनी बन जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब की बार हमने ये लगाना है, थीटा की जगह 140 लिखा आपने, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गई, ये इससे कट गया देखिए बेटा, और बाकी सब आप कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17.1, और यूनिट लगा देंगे cm। नेक्स्ट देखिए, हमें खुद करने हैं क्वेश्चन। एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना है 360 डिग्री, अभी हमने सीखा था कितना है 360। त्रिज्यीय खंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियाई, दो त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। अब ये हमें बताना है कि इस फिगर में थीटा कितना है बेटा, वेरी इजी, थीटा इज 90 एंड रेडियस इज 4 cm। नेक्स्ट देखिए, एक 3.5 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन है तो हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया आर कितना है 3.5 cm। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई इज 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा 0.5 पे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3.5 दैट इज 38.5 cm स्क्वायर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ बेटा, वो इसी के ऊपर बेस्ड है जो आज हमने सीखा है। 6 cm त्रिज्या और 30° कोण वाले लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और संगत चाप की लंबाई बताइए। लेंथ ऑफ द आर्क बतानी है हमें और एरिया बताना है माइनर सेक्टर का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो आर इज 6 cm एंड थीटा इज 30°। तो लेंथ का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अगर लेंथ पूछा जाएगा तो आप परिधि का फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले से गुणा कर देंगे थीटा अपॉन 360 को, और सर्कल में
एरिया पूछा जाएगा अगर इसी त्रिज्याखंड का, तो हम पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। अब आपने केयरफुली वैल्यूज रख देनी है। देखिए जीरो से जीरो कट गई है, तीन से इसे काट दिया, फिर सिक्स टू जै ट्वेल्व पूरा ही कट गया, हमारे पास रह गया ओनली 22/7। साथ में हम सी एम लिख देंगे। अब यहाँ हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या सीखा है, थीटा अपॉन 360। एरिया पूछा जाएगा तो हम एरिया के फॉर्मूले से ही गुणा करेंगे। इट इज 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 बेटा। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 22 × 3 दैट इज 66/7 सी एम स्क्वेयर। तो बेटा ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी है, लर्न करनी है, क्योंकि हमारा एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है जो हम अब आगे अपनी क्लासेस में करेंगे। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।